Hello friends, welcome back to my channel Psychology Point. Wish you all a very happy Dashera. So on the eve of Dashera, I decided to gift my viewers a video. Topic of the today's video would be mobile addiction, a burning topic for which many parents and many students come to me and ask for solution. So let's talk about what is mobile addiction. Mobile addiction is a behavioral disorder in which the children are compulsively and excessively using the mobile. अभी मैं आपके साथ सिम्टम भी डिस्कस करती हूँ इसके, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा कि आपके बच्चे को मोबाइल एडिक्शन है भी कि या वो जुडिशली उसका यूज़ कर रहा है और आप उस पे एक्सेसिवली प्रेशर कर बना रहे हैं कि तुम तो एक्स्ट्रा मोबाइल यूज़ करते हो. देखिए, ये समझने की भी कोशिश करिएगा कि मोबाइल का यूज़ करना गलत नहीं है. अगर बच्चा जुडिशली यूज़ कर रहा है तो हाँ, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है. जैसे आइज के लिए आप ब्लू रेज, आजकल ग्लासेस आते हैं, आई ड्रॉप डालिए बच्चे को so that his eyes do not get dried, okay? क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते हैं अपने बच्चों को. अगर हम ये करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी तरीके से वो पीछे रह जाएंगे. तो अब मैं बात करती हूँ कि क्या सिम्टम्स होते हैं मोबाइल एडिक्शन के. अगर आपके बच्चा बहुत ठीक से बैठा है लेकिन अब उसको क्रेविंग है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, देन इट कुड बी द सिम्टम ऑफ मोबाइल एडिक्शन. और या बच्चा एजिटेटेड रहता है, एंग्री हो जाता है, इरिटेटेड रहता है कि मुझे बस मोबाइल चाहिए ही चाहिए. अगर इतनी ज़्यादा क्रेविंग है, इतना ज़्यादा एंगर इशू है, तब ये सिम्टम है मोबाइल एडिक्शन का. और एक नीड कॉन्स्टेंट चेकिंग की, फ़ोन की, होमवर्क कर रहे हैं या आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट नीड कि हम मोबाइल चेक कर लें, पहले व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, किसी को मैसेज किया, इस तरीके के सिम्टम्स आप बच्चों में देख रहे हैं, देन इट इज़ मोबाइल एडिक्शन. और कुछ बच्चे झूठ बोलकर आपसे मोबाइल यूज़ करें, रात रात भर मोबाइल यूज़ करें, देन दैट इज़ ऑल्सो. और एक बहुत बड़ा सिम्टम है निग्लेक्टिंग दी ड्यूटीज़. अगर ड्यूटीज़ आप यूज़ कर, जब आप साथ में, जैसे अब मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ तो मैं स्कूल भी जाती हूँ, मैं घर का भी सारा वर्क करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी नोटबुक चेकिंग एवरीथिंग आई डू, देन आई यूज़ मोबाइल ऑल्सो. मोबाइल इज़ ऑलवेज विद मी टू कीप ऑन कीपिंग माई सेल्फ अपडेटेड विद whatever things I want to for my knowledge, then it is not addiction, dear parents. And iske baad agar lekin main duties neglect karne lag jaun, then it will be mobile addiction. Then getting up at night to check the phone, agar bachcha so nahi pa raha hai aur baar baar mobile check kar raha hai ki kya message hai ki nahi hai, then it is mobile addiction. चलिए, अब तो मैंने हम लोग ने समझ लिया कि मोबाइल एडिक्शन के सिम्टम्स क्या हैं. अब मैं आज आपको कुछ सॉल्यूशन इसके देना चाहूँगी. उम्मीद है अगर आप इसको अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे हम छुटकारा ना पा पाए. बस पॉजिटिव अप्रोच रखिए, थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम दीजिए, तो हर चीज़ पॉसिबल है. ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो पाए. तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि जैसे मोबाइल ऐप्स में जो इनबिल्ट फीचर्स होते हैं उनका, उनके स्क्रीन टाइम को ट्रैक कर सकते हैं आप. तो बच्चे का स्क्रीन टाइम ट्रैक करिए, जब एक्सेसिव स्क्रीन टाइम हो तो उसको उससे अवेयर करवा दीजिए. डिस्कशन करने से अच्छा है अगर हम बच्चों के साथ एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करें, पोलाइट रहें लेकिन फर्म रहें कि बेटा नाउ दिस इज़ द स्क्रीन टाइम विच इट इज़ शोइंग एंड नाउ दिस इज़ बियॉन्ड योर लिमिट्स,
यू कैन नॉट यूज दिस मच मोबाइल, बार बार कहिए, बार बार समझाइए, तो दे विल अंडरस्टैंड। और एक ट्रिगर आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से ट्रिगर हैं, जो बच्चे से बात करिए, कौन सा ऐसा चीज है जिसके कारण वो मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहा है, क्या वो बोर फील कर रहा है, स्ट्रेस में है, क्योंकि देखिए किसी भी तरीके का एडिक्शन के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ अंदर अंदर आपका बच्चा परेशान तो नहीं है जिसके कारण वो बिहेवियर ऐसा शो कर रहा है। अब कुछ और सॉल्यूशंस मैं आपको बताती हूँ कि प्रोडक्टिविटी ऐप इंस्टॉल रखिए अपने बच्चे के फ़ोन पे, बाकी ऐप्स हटा दीजिए ताकि आपकी नॉलेज में रहे। बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी हैं जिसकी आप नॉलेज गेन कर सकते हैं गूगल से ही, कि किस तरीके से आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं सो दैट अननेसेसरी मटेरियल ना जाए। और आपके बच्चे की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम उसके लिए सूटेबल है। फॉर एग्जांपल, चिल्ड्रन इन द प्री प्राइमरी सेक्शन शुड नॉट एट ऑल यूज मोर देन 1 आवर, सेम वे अदर चिल्ड्रन। अब बाकी बड़े बच्चों के साथ ये है कि बड़े बच्चे फ़ोन से पढ़ते हैं तो उसका टाइम आप माइनस कर लीजिए, उसके अलावा आप टाइम यूज़ करें। देखिए अननेसेसरी क्रेविंग होना रील्स को केवल स्क्रॉलिंग की, दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट, दैट इज़ डिस्ट्रॉइंग अस, ऑल ऑफ अस, आवर ब्रेन इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड विद इट। So we should try to have self-control for it. Self-control हम खुद पर भी रखें, कुछ ऐसे time हम अपने घर का environment ऐसा बनाएं कि जैसे dining table है तो there neither the mama is using mobile nor papa is using mobile nor the child is using mobile. तो इस तरीके से हम कुछ routine set करें ताकि बच्चे जो हैं mobile से दूर रह सकें। और फिर उनका आप डिजिटल डिटॉक्स में जैसे हम फास्ट रखते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने नराते में फास्ट रखा होगा, तो इसमें एक दिन आप ये भी फास्ट रख लेते हैं कि एक दिन या हाफ डे आई एम नॉट गोइंग टू टच इवन माई मोबाइल व्हाटसोएवर हैपन। और जब आप सब पूरी फैमिली रखेगी, जैसे नवरात्र आप सब बच्चों को भी ये चीज़ें इनबिल्ट करने के लिए आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो दे विल ऑल्सो फॉलो। हाँ, एक दिन व्रत रख लें कि आज हम मोबाइल इतने घंटे के लिए तो नहीं यूज़ करेंगे, चाहे कुछ भी, चाहे हमारा ऑफिस का भी काम हो तो भी हम नहीं यूज़ करेंगे, ऐसा करके देखें अगर पॉसिबल हो। बच्चे के साथ कुछ ऑफलाइन एक्टिविटीज प्लान करें ताकि वो बच्चा आपसे मोबाइल से दूर रह सके। जिस समय आप कोई जैसे ड्राइंग, कलरिंग या गार्डनिंग, इस तरीके की एक्टिविटी, आप बच्चे को ऑप्शंस तो दीजिए, पहले बच्चे को ऑप्शंस तो दीजिए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग खुद इतना बिजी हो रहे हैं आजकल कि, और बच्चे भी हमारे एक एक या मैक्सिमम 2 बच्चे हैं सबके पास, तो उनको फिर हमको ही कहीं ना कहीं या तो हम उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा सेट कर दें। और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा जब बच्चे फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो वो उतना टाइम स्क्रीन में नहीं देते हैं, जब वो अकेले होते हैं तभी, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अदर ऑप्शंस विद देम। एंड जब हम बड़ों के लिए सेल्फ कंट्रोल इतना मुश्किल होता है तो बच्चों के लिए तो सेल्फ कंट्रोल मुश्किल है इस मोबाइल के विषय को लेकर। तो थोड़ा सा एम्पथेटिक होकर हम भी अपने आप को चेंज करें, तभी हमारे बच्चे भी इस मोबाइल से दूर रहना सीखेंगे, हालांकि बिल्कुल दूर नहीं। प्लीज़ एक्सप्लेन देम दैट how this mobile addiction is leading them to various psychological disorders, anxiety ho dekhne ko mil rahi hai bachchon mein, ye depression dekhne ko mil raha hai bachchon mein, aloofness hai, ek dusre ke sath mix nahi ho pa rahe hai bacche, ye sab unko bataiye। plus ye bhi bataiye ki kaise keval mobile use karne se hamari creativity jo
डिक्रीज़ हो रही है, हम क्रिएटिव रह ही नहीं गए। हम पहले चार बुक्स यूज़ कर कर अपने नोट्स बनाते थे, अब सीधा जाकर गूगल पे इतना सा सर्च करते हैं, और ना ही इसके कारण बच्चों में ना रीडिंग एबिलिटीज़ हैं और ना ही राइटिंग स्किल्स डेवलप हो पा रही हैं। तो उसके डिसएडवांटेजेस बच्चों को समझाइए, तो ज़रूर समझेंगे बच्चे अगर आप पास में बैठकर उनको समझाएंगे, अपने में पॉजिटिविटी रख के कि हाँ ऐसा होगा। जब हम खुद ही ये नेगेटिव हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो फिर सच्ची में नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप पॉजिटिव रह के अपनी ये सब उनको डिसएडवांटेजेस बताइए कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं बच्चों को, सो नहीं पा रहे बच्चे, और रिलेशनशिप बच्चों को फ्रेंडशिप करना नहीं आ रहा क्योंकि बच्चे एनग्रॉस्ड हैं इन सब चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों में हमें, और फिर कंसंट्रेशन, देखिए एक चीज़ समझिएगा कि हैबिट फॉर्मेशन इजी होती है, लेकिन हैबिट्स ब्रेक करना मुश्किल होता है। इसलिए अपने बच्चे को भी टाइम दीजिएगा, उससे इतना स्ट्रिक्ट ना होइए कि ही और शी टेक्स इट इन अ रॉन्ग वे। थैंक यू। आई होप कि मैंने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको हेल्प करेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर अप्रिशिएटिंग माई वीडियोज़। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था शॉर्ट, दैट वॉज ऑल्सो अप्रिशिएटेड अ लॉट। इन वन डे ओनली आई गॉट सो मैनी व्यूज़। एंड बस एक रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।